एक्सप्लोसिव 25 बड़ी खबरों के साथ, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करने जा रहे हैं, एक और शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है समीर और करुणा। एक्सक्लूसिव खबरें हमारे पास, जहां पुतिन के एक वीडियो ने पूरे पश्चिम में कैसे मचा दी खलबली, आपको हम बताएंगे। पुतिन के साथ न्यूक्लियर ब्रीफकेस अब नजर आ रहा है। हालांकि आम दिनों में एक राष्ट्रपति के साथ न्यूक्लियर ब्रीफकेस होना उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बार लेनिनग्राद से जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद खास हैं। और हम इस बुलेटिन में इस पर डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही हम आपको इसी शो में मोल्डोवा पर बढ़ते खतरे की बड़ी जानकारी भी देने जा रहे हैं। समझेंगे कि आखिर क्यों पुतिन को चुप रहा है ये देश। इसी बुलेटिन में हम मेदवेदेव के बड़े बयान का मतलब भी समझेंगे और नॉर्थ कोरिया की अमेरिका को दी गई चेतावनी कितनी गंभीर है ये भी समझने की कोशिश होगी। तो इन सभी खबरों पर हमारी लगातार नजर है, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पुतिन का एक वीडियो ने पश्चिम में खलबली मचा दी है। स्टालिनग्राद जश्न में न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ पहुंचे पुतिन। पुतिन के दो सिक्योरिटी गार्ड्स के पास था ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस। तो आखिर स्टालिनग्राद में जब जश्न मन रहा था उस दौरान पुतिन वहां पर मौजूद थे, इसमें बाकायदा वहां पर शामिल हुए थे इसमें, और उनके साथ ये जो ब्रीफकेस था न्यूक्लियर ब्रीफकेस, आखिर इसका मतलब क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है इसके जरिए? तो पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस पश्चिम को क्या बतला रहा है, पश्चिम को क्या मैसेज दे रहा है, ये हम आपको समझाने की अब कोशिश करते हैं। तो आपको बताते हैं, स्टालिनग्राद विजय जश्न के दौरान पुतिन न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ पहुंचे। देखिए आप ये तमाम बड़े पॉइंटर्स, बड़ी खबर आपके सामने। न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ स्टालिनग्राद विजय जश्न के दौरान पहुंचे, और क्या था, पुतिन के दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के पास एक एक ब्रीफकेस था। उसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहां आप देखिए, ये देखिए, ये लाल घेरे में यहां पर आप देखिए, ये वही ब्रीफकेस है। दोनों सिक्योरिटी गार्ड पुतिन के कुछ ही दूरी पर खड़े हुए थे, और क्या बड़ी बात है, किसी भी वक्त हमला हुआ तो पहले ब्रीफकेस से पुतिन को बचाने की तैयारी होती है, दूसरे ब्रीफकेस से किसी भी वक्त रूस से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की तैयारी। पुतिन ने साफ कहा कि जंग में रूस को हराने के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ी भूल है। वर्ल्ड वॉर टू की तरह नाजी के लेपर टैंक फिर हमारे बॉर्डर पर होंगे, ये पुतिन की तरफ से कहा गया है। अब इससे जुड़ी कुछ और बड़ी खबर आ रही है इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस को लेकर, समीर बताइए आप। जी हाँ, पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस, इसे लेकर जबरदस्त हलचल। पश्चिम को क्या कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, क्या पश्चिम को बहुत सख्त मैसेज देने के लिए न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ पहुंचे पुतिन, ये है बड़ा सवाल। यूक्रेन को टैंकों की मदद से बौखलाए पुतिन, क्या एटमी हमले की फाइनल तैयारी कर चुके हैं? न्यूक्लियर ब्रीफकेस से पुतिन ने अमेरिका को भी डायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की है। जश्न के दौरान पुतिन को क्या किसी बड़े हमले का भी डर था जिसकी वजह से ये तस्वीरें सामने आई हैं? हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा ओपी तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर थापर हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित झा हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। लेकिन ब्रिगेडियर थापर, कुछ डिकोड कर सकते हैं आप हमारे दर्शकों के लिए इन तस्वीरों को? देखिए, ये जो न्यूक्लियर ब्रीफकेस कैरी कर रहे हैं, ये एक तरीके से फोटो ऑप्स है, एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि हम तैयार हैं। मैं इससे ज़्यादा इससे कुछ नहीं समझता, क्योंकि पिछले 6 महीने से आपके चैनल पे मैं लगातार आ रहा हूँ, आप मेरे से हर बार वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, और मैं हर बार कहता हूँ कि इसकी चांसेस शून्य से भी कम है। कोई भी समझदार देश न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं सर, तो लेकिन ये समझदारी के मायने ही कहां रह गए हैं? 24 फरवरी 2022 से पहले हम यही तो बातें करते थे कि आज के इस दौर में 21वीं सदी में ये संभव थोड़ी है कि आमने सामने जंग होगी, एक देश के सैनिक दूसरे देश के सैनिकों पर गोलियां बरसाते हुए नजर आए, सब कुछ तो होता हुआ देख लिया सर हमने। देखिए, दो न्यूक्लियर पावर अगर आपस में लड़ रहे हो तो चांसेस फिर भी हैं, लेकिन इस केस में यूक्रेन एक न्यूक्लियर वेपन पावर नहीं है, और रशिया का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन करना किसी भी मुल्क को, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और खासकर क्योंकि लड़ाई यूक्रेन के इलाके में हो रही है, अगर रशिया में, लेकिन सर फिर ये मैसेजिंग ही क्यों? ये एक तरीके से सबके ऊपर है, लेपर्ड टैंक, इब्राहिम टैंक्स देने की बात। प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आसार क्या नजर आते हैं क्या? देखिए, मैसेजिंग तो की ही जा रही है, इसमें कहां कोई शक? दो तीन बातें साफ है। पहली बात कि अभी तक जो अपने आर्टिलरी और जो कन्वेंशनल वेपन से युद्ध लड़ रहा है रशिया,
लेकिन जिस तरीके से इजाफा दूसरे साइड से हो रहा है, खासकर लेपर्ड के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ, तो रशिया इस बात के अलर्ट है। रशिया के हथियारों में हमेशा इजाफा हो रहा है, 30% नए हथियार बन रहे हैं और उनके उनके उसमें आर्टिलरी में ऐड हो रहे हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से जो लामबंदी वेस्ट कर रहा है और लेपर्ड और इब्राहिम और जो बाकी हथियार भेज रहा है, वो निश्चित रूप से रशिया तैयार है और उसका जो अपना जो क्षेत्र है, जो स्लोविक रीजन है जिसको वेस्ट कहता है कि ये एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिस्ट है, उसमें कहीं भी रशिया कंप्रोमाइज नहीं करेगा। चेचन और अभी तक जो लिए हैं वो सारे, तो इसके लिए अगर न्यूक्लियर थ्रेट है तो उसको काउंटर करेगा और न्यूक्लियर इस्तेमाल भी कर सकता है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, इसीलिए ये तस्वीरें थापड़ सर, अगर आप फोटो आप भी कहते हैं तो फोटो बहुत बड़ा संदेश देती है, तैयारी को संकेत देती है। स्टैंड बाय मोड पर भी अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं तो भी बड़ी बात है, क्योंकि भीषण जंग के बीच ही पुतिन के विध्वंसक ऑर्डर को लेकर अगली बड़ी खबर हमारे पास है, जहां मार्च तक पूरे डोनबास पर कब्जे का आदेश दे दिया गया है। थोड़ी देर पहले हम कब्जे की लड़ाई को लेकर बात कर रहे थे कि क्या रशिया पूरी तरीके से अब कब्जा करने को तैयार है, गवर्न करने को तैयार है। चार रीजन्स को लेकर कई बार बड़ी खबरें आई, लेकिन उन चार रीजन्स में टैक्टिकल विड्रॉल ने भी तो पुतिन के ऊपर सवाल खड़े किए। अब बड़ा सवाल यही है कि सिर्फ और सिर्फ अगर कब्जे की लड़ाई बाकी रह गई है तो पुतिन अब क्या आदेश देने वाले हैं, किस रणनीति पर काम करने वाले हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर अब डिटेल आपके सामने, कब्जा शेष, पुतिन का बड़ा आदेश, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, जहां देखिए किस तरीके से पुतिन ने अब मार्च तक एक और डेडलाइन पुतिन की तरफ से, मार्च तक पूरे डॉनबास पर कब्जे का दे दिया है आदेश। हो पाएगा, बड़ा सवाल, क्योंकि दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पुतिन के आदेश के बाद अब पूर्वी यूक्रेन में जंग और ज्यादा विध्वंसक होती नजर आ रही है। डोनबास के कई इलाकों में रूस ने भीषण हमले की तैयारी तो कर रखी है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक होते जा रहे हैं। अब डोनेस्क और लोहांस में कई इलाकों में अभी भी रूस का कब्जा बाकी है। बखमुट समेत कई इलाकों में जिस तरीके से भीषण जंग जारी है, वो संकेत तो लगातार उस बात के दे रही थी तिवारी सर, लेकिन मेरा सवाल एक बार फिर से वही, क्या रशिया कब्जे के तहत गवर्न करने के लिए तैयार है? देखो सुरभि, कब्जा करना, कब्जे को रिटेन करना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाँ। इसके लिए जहाँ तक देखो नेचुरल बाउंड्री होती है, ताकि उसके पीछे अगर अपना डिफेंस लाइन स्ट्रॉन्ग कर लो तो उसको रिटेन करना आसान हो जाता है, पर्टिकुलरली उस राज्य में जहाँ पर आपको लोकल सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे एरिया को रिटेन करके रखना आसान है। और सर, क्रीमिया का एग्जांपल तो है ना, 2014 से आपने रिटेन किया हुआ है। यस, दैट इज करुणा, बिल्कुल सहमत, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। हाँ। तो ये डोनबास लोहांस को उसके कब्जा करने के लिए फुल फोर्स में समय नहीं लगना चाहिए, ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक प्लान है पुतिन का, ये रिटेन करना मुश्किल है। इसलिए फुल फोर्स आप देखो तो पूरे तरीके से लड़ाई नहीं चल रही है। करुणा बता रहे थे और वहां पर उन्होंने बिल्डअप कर लिया है। खेरसोन का देखिए, निप्रो रिवर के पीछे आ गए थे। टैक्टिकल प्रो रशिया फोर्सेस पहले से काम कर रही है इस पूरे रीजन में, वो काफी हद तक मदद करेगी रशिया को यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड कायम रखने। यस, मोर इम्पोर्टेंट इज द डिफेंस लाइन जो स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि यूक्रेन उसको क्रॉस न कर सके। बिल्कुल, आप कहीं भी नहीं कर सकते, इट हैज टू बी लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर जहां होना चाहिए, संभव है अब न्यूक्लियर चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर भी इस रीजन में भी तमाम तरह की चुनौतियां रूस के सामने हैं, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, मोल्डोवा बन सकता है पुतिन का अगला निशाना। नाटो के साथ खड़े मोल्डोवा पर भी रूस की नजर है, युद्ध आगे बढ़ा तो रूसी टारगेट पर होगा मोल्डोवा। तो नाटो के साथ खड़ा हुआ है मोल्डोवा और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उसका रुख इस युद्ध को लेकर, लेकिन अब इस मोल्डोवा पर रूस ने, व्लादिमीर पुतिन ने नजरें गड़ा दी हैं। इसके मतलब है क्या, इसके मायने क्या हैं, ये समझने की कोशिश की जाएगी। आखिर इस युद्ध में मोल्डोवा की क्या भूमिका आने वाले वक्त में दिख रही है, इसे समझने की करते हैं कोशिश। यूक्रेन के बाद अगला एंटी रशिया मुल्क कौन सा, सवाल देखिए कई हैं, जवाब भी हमारे सामने है। यूक्रेन के बाद अगला एंटी रशिया कौन, मोल्डोवा, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मोल्डोवा की राष्ट्रपति, ये कहा जा रहा है। यूक्रेन के बाद अगला एंटी रशिया इसे क्यों माना जा रहा है, यूक्रेन में पश्चिमी देशों के रुख पर
क्या कहेंगे? पश्चिमी देश नहीं चाहते कि रूस यूक्रेन में जंग किसी भी हाल में खत्म हो, यह तो क्लियर है ही, मकसद बिल्कुल साफ नजर आता है। यूक्रेन जियोपॉलिटिकल बैटल का एपिसेंटर बन गया है। क्या कहेंगे? पश्चिमी देश प्रतिबंध लगाकर रूस को दशकों पीछे धकेल देना चाहते हैं और रूस ये भली भांति समझ रहा है और इसीलिए लगातार वेस्टर्न कंट्रीज पर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है अपने बयानों के जरिए। यूक्रेन पर जारी मदद पर क्या कहेंगे? रूस के पास जंग खत्म करने के लिए और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए सब कुछ है और अभी एयर पावर का तो इस्तेमाल ही नहीं किया गया है रशिया की तरफ से। ऐसे में सुमित झा, क्या आपको लग रहा है किस तरह के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं क्या आने वाले वक्त में? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज तो वो सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं अब जो वो कर सकते हैं। रूस क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, अगर हम इसके आसार जानने की कोशिश करें? इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न में आऊं, मैं एक बात कहता हूं। क्रीमिया को जब एनेक्स किया गया वो 2014 में, तो इस बात को याद रखिए कि ओबामा वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति थे और ओबामा ने निर्णायक निर्णय लिया ही नहीं, किसी भी तरीके से यूक्रेन के पक्ष में वो नहीं आया और यही कारण था कि रशिया गाहे बगाहे आंख देखते देखते उसको अपने में मिला लिया, वो उसका हिस्सा बन गया पूरा नाटो यूरोपियन। यानी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रीमिया को जानबूझकर जाने दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी से सबक लेते हुए जब पिछले साल इसी महीने रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो नाटो देश, लेकिन सर जो बाइडेन के रहते हुए भी तो चार राज्य उसने कब्जाने का दावा कर लिया ना, बकायदा एक कार्यक्रम करके अनाउंसमेंट की गई। चलिए थोड़ी देर के लिए आपकी बात को मान लेता हूं, तो जब ये युद्ध शुरुआत इसको शुरू किया गया और शुरुआती दौर में जितने हिस्से पर रूस का नियंत्रण था और अभी में अंतर है कि नहीं और वो किसके पक्ष में है, वो यूक्रेन के पक्ष में है, तो इस बात को मत भूलिए। और इस युद्ध का एक निर्णायक परिणाम निकलेगा विश्व स्तर पर, वो सबसे बड़ा यह है कि नाटो देश अपने आप में अलग थलग चल रहे तो और एकजुट करने में ये युद्ध बहुत निर्णायक भूमिका निभा रहा है। दूसरी बात, अमेरिका के बारे में ये कहा जा रहा है था कि आर्थिक और सामरिक और डिफेंस मिलिट्री के लिहाज से ये कमजोर होता मुल्क जा रहा है और इसकी स्थिति ग्लोबल ऑर्डर बनाने में वो नहीं रहेगी जो कि चीन हो सकता है, चीन और रशिया साथ में करे, और इसमें भी कुटराघात हुआ है। अब अमेरिका और आक्रामक हो रहा है, खासकर तब जब अफगानिस्तान। लेकिन सर सवाल तो ये है, ठीक है सर, एक देखिए बड़ी खबर है अमेरिका को लेकर ही, लेकिन सवाल ये भी है ना कि अब जिस यूरोप की आप बात करें, नेटो कंट्रीज की बात करें, वहां भी बहुत विरोधाभास है, लोगों के अंदर से सवाल उठाए जा रहे हैं कंट्री। आप देखिए नॉर्थ कोरिया को लेकर खबर यह है कि नॉर्थ कोरिया की अमेरिका को सीधी वार्निंग आ गई है, अमेरिका की मिलिट्री एक्शन का कड़ा जवाब दिया जाएगा, यह नॉर्थ कोरिया बोल रहा है, किम जोंग उन बोल रहा है। जरूरत पड़ी तो न्यूक्लियर हमला भी हम करेंगे, नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर धमकी, अमेरिका से बातचीत का कोई इरादा नहीं है, नॉर्थ कोरिया ने क्लियर कर दिया। ये था पर सर, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर धमकी दे रहा है अमेरिका को, ये क्या है? ये आप अपनी क्षमता से आगे बढ़कर आप कुछ कर रहे हैं या फिर यहाँ कुछ और ही गेम चल रहा है नॉर्थ कोरिया जो बीच में आ रहा है? देखिए उसका जरूरत है, हम सब जानते हैं वो थोड़ा सा हिला हुआ है, तो उसके स्टेटमेंट आती रहती हैं, उसके एक्शंस के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, चाइना का भी कंट्रोल नहीं है, किसी का भी कंट्रोल नहीं है, और वो ऐसे स्टेटमेंट करता रहता है अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए, तो उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए किसी भी मुल्क को मेरे हिसाब से। लेकिन ये एक जबरदस्त त्रिकोण बनता हुआ नजर आ रहा है जिसमें कहा यह जा रहा है कि भाई बाकी दुनिया एक तरफ, भारत को तो आप अलग कर दीजिए, लेकिन जो दो धड़ों में दुनिया बटी हुई नजर आ रही है, ये रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर रूस के साथ चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क खड़े हुए हैं। जी हाँ, ये एक तरह से बिल्कुल ये हम देख रहे हैं कि कैसे ये जो ग्रुप है, ये जो गुट है बनते नजर आ रहा है, और इस पर ही बात करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं ये बयान अमेरिका को डाइवर्ट करने के लिए भी दिया गया हो? तो देखिए लगातार उस न्यूक्लियर ब्रीफकेस को लेकर हम सवाल तो उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया भीषण जंग के बीच, उससे जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने। भीषण जंग के बीच मेदवेदेव का यह बड़ा बयान, तेजी के साथ हथियारों की आपूर्ति बढ़ाएगा रूस, ये दिमित्री मेदवेदेव बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं ये देखिए, जंग में यूक्रेन की होगी करारी हार, दिमित्री मेदवेदेव ये भी इस बात का दावा कर रहे हैं ताल ठोक के, और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बयान का मतलब क्या है, आखिर क्या तैयारी रूस करता हुआ नजर आ रहा है, किन हथियारों का जिक्र रूस करता हुआ नजर आ रहा है जो अभी तक वॉर जोन में नजर नहीं आए। आइए आपको बताते हैं कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति और साथ ही साथ
सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है, क्या बड़े संकेत दिए हैं। जंग में यूक्रेन को जल्द हराने के लिए हथियारों की आपूर्ति और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। साथ ही क्या कहा है, 2023 में सभी प्रकार के सैन्य हार्डवेयर की डिलीवरी और ज्यादा बढ़ जाएगी। सशस्त्र बलों को हर तरह की मिसाइलों की आपूर्ति की जाएगी, यह भी कहा गया। हथियारों और मिसाइलों की सप्लाई पर पश्चिम का जो दावा है वो सरासर गलत है, जिसमें लगातार कमी की बात कही जा रही थी। रशियन आर्मी आधुनिक मिसाइलों से लैस है, अभी सभी पश्चिम पर हम भारी पड़ेंगे, सब एक साथ आ जाए तब भी हम उन पर 20 हैं। आर्म्स प्रोडक्शन फैक्ट्री में इंस्पेक्शन के बाद दिमित्री मेदवेदेव ने यह बहुत बड़ा बयान दिया है। मैं जानना चाहूंगा अब थापर सर आपसे कि आखिर इस बयान का मतलब क्या निकाले, 2023 में क्या होने वाला है, किस बात का संकेत दिमित्री मेदवेदेव दे रहे हैं। थापर सर, ओ देखिए, ये एक तरीके से सिग्नल है इंटरनेशनल फोरम को भी और अपने देशवासियों को भी कि हम सशक्त हैं, हमारे पास कमी नहीं है किसी चीज की और लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं होते। हमें किस दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वी आर केपेबल ऑफ मीटिंग आर रिक्वायरमेंट्स फॉर वॉर एफर्ट। तो मेरे हिसाब से तकरीबन इतना ही उसका एम है। बिल्कुल, और देखिए इस बीच एक और अहम खबर आ रही है खेरसोन से। खेरसोन में रूस की तोपों ने उगली आग, यूक्रेन के सामरिक ठिकानों पर गोलाबारी यहां पर की गई है। आर्टिलरी स्ट्राइक से यूक्रेन का वेपन डिपो ध्वस्त हो गया है। बड़ी मात्रा में यूक्रेन का गोला बारूद नष्ट हुआ है। खेरसोन में दो दिन में रूसी तोपों का कहर देखने को मिल रहा है। तो वार पलटवार हो रहे हैं, वहीं रूस के गोला बारूद डिपो पर भी ड्रोन स्ट्राइक को लेकर अगली बड़ी खबर, जहां रेकी के बाद रूस के डिपो पर बॉम्ब दागा गया है और धमाके के बाद रूस का गोला बारूद डिपो कैसे बर्बाद हुआ, तस्वीरें जारी है। गोले बारूद के ढेर से उठा धुएं का गुबार दूर नजर आया और यूक्रेन ने रूस के कई ठिकानों को इसी तरीके से अब टारगेट किया। और देखिए एक और बड़ी खबर जंग से जुड़ी हुई, रूस की रॉकेट फोर्स का ऑपरेशन तेज हो गया है। यूक्रेन की मिलिट्री साइट पर भीषण बमबारी की है। रूसी फोर्स के ट्यूलिप्स मोर्टार से बैक टू बैक फायर हुए हैं। रूस का दावा, मोर्टार स्ट्राइक से यूक्रेन के ठिकाने तबाह कर दिए गए, तस्वीरें आप देखिए। और अगली बड़ी खबर, यूक्रेन में 129 मोर्चों पर इस वक्त भीषण युद्ध जारी है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का वॉर प्लान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सभी जंगी मोर्चों की गई है समीक्षा। रूसी कब्जे वाले डोनबास में बढ़ाई गई है यूक्रेन की तरफ से फौज। डोनबास में रूस पर यूक्रेनी सैनिकों ने दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। घातक हथियारों से लैस रूसी फौज का काउंटर यहां पर तेज हो गया है। तिवारी जी, ये एक बड़ा डेवलपमेंट नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले ही हम डोनबास का जिक्र कर रहे थे और ये खबरें सामने आ रही थीं कि इस पूरे रीजन में रूस हावी होता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि अब यूक्रेन की तरफ से डोनबास रीजन में फौज में इजाफा किया गया है। जबरदस्त टक्कर देने की तैयारी। देखिए समीर, ये जो डोनबास से नीचे खेरसोन और क्रीमिया के बॉर्डर तक का एरिया है वो काफी लंबा जोन है। टोटल जो टेरिटोरियल बॉर्डर है काफी मजबूत है। ये जो यूक्रेन भी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें रशिया को डेविएशन टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी। वो अलग अलग जगह में स्ट्राइक करेगा जहां इसके फौज को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, तभी रशिया ये एरिया रिटेन कर सकता है। रशिया जरूर करेगा, ये मिसाइल अटैक से हो या किसी भी अटैक से हो, जहां पर इसकी टेरिटोरियल, जहां पर डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो चुका है, ही मे बी स्लाइटली लाइटर ऑन द साइड, बट अदर एंड जहां थोड़ा वीक है तो वहां पर मजबूत करेगा और यूक्रेन फोर्सेज की टॉय करेगा। इसीलिए कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के जो वेपन डिपोज है, हाँ, जो पीछे हैं, उनको कमजोर करना है। इसके लिए विल नॉट बी सरप्राइज कि हमें बीच में कुछ मिसाइल अटैक्स मिले। इतने दिनों तक डोनबास यानी वो इलाका जहां पहले से ही रूस का खासा प्रभुत्व था, उस एरिया में भी फंसा कर रखना रशिया को, ये तो अपने आप में कामयाबी है ना यूक्रेन की। समीर, ये तो बिल्कुल सहमत हूँ, कामयाबी है। किसी भी दूसरे देश के अंदर लड़ाई करना किसी भी देश के
के लिए आसान नहीं है। ये हम वियतनामी भी देख चुके हैं, छोटा सा देश था, कुछ आर्मामेंट नहीं था, यूएसए को अपनी मुंह की खानी पड़ी। तो ये तो हर देश समझते हैं कि किसी देश के अंदर, बिकॉज एक एरिया के अंदर आप घुसो तो गुरिल्ला वॉरफेयर सबसे स्ट्रांग होता है। एक छोटा आदमी 10 को क्रिएट कर सकता है, ये एडवांटेज यूक्रेन को थी। और यही रीजन है कि सर कई दिनों की जंग के बाद कीव भी फॉल नहीं हो पाया था। यस, कीव वाला तो बिकॉज अभी जैसे टैंक की बात हो रही है, उसमें एक और समस्या ये हुई थी कि टैंक आगे नहीं पड़ पा रहे थे क्योंकि बर्फ पिघल गई थी और लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं था, सप्लाई नहीं था। थोड़ी देर पहले हम जो वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे कि रशिया पूरी तरीके से विनाश करना चाहता था यूक्रेन का, उसने कर दिया, क्योंकि यहाँ एक दो मोर्चों पर नहीं 129 मोर्चे हैं ऐसे जहाँ पर जंग हो रही है। युद्ध रशिया ने नहीं, जेलेंस्की ने यूक्रेन का सत्यानाश कर दिया है एक अपने पर्सनल और इंटरनेशनल इमेज बनाने के चक्कर में। सर यूक्रेन के लिहाज से तो मैं ये कहती हूँ उसके लिए वॉर ऑफ सर्वाइवल बन चुकी है, इसीलिए वहां के लोग अब पूरी तरीके से सफर करने को मजबूर हो चुके हैं। लेकिन अगली बड़ी खबर, जहां ताइवान टेंशन के बीच चीन जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रेसिडेंट जिनपिंग से आमने सामने की मुलाकात क्या संकेत दे रही है? यूक्रेन युद्ध से लेकर ताइवान टेंशन तक इसको पर बातचीत की संभावनाएं हैं। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री के चीन दौरे में एशिया में क्या वाकई हलचल तेज होती नजर आ रही है? एक्सपर्ट्स के साथ इस पर चर्चा जरूर करेंगे। हालांकि नॉर्थ कोरिया की एटमी धमकी भी क्या ब्लिंकन के एजेंडे में है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री के दौरे को लेकर जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, ये दौरा किस लिहाज से बहुत अहम हो जाता है ये समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल आपके सामने इंफॉर्मेशन वॉल पर होंगे, दो दिन चीन में ब्लिंकन, बड़ी बातें आपके सामने, बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री 5 और 6 फरवरी को अब बीजिंग में होंगे। क्या अमेरिका चीन के रिश्ते में तल्खी इस मुलाकात के बाद कम होती नजर आ रही है? हालांकि दूसरी बड़ी बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चीन से ब्लिंकन की बातचीत को लेकर खबरें आ रही हैं, इसलिए बड़ा सवाल ये, क्या चीन यूक्रेन युद्ध खत्म करने का जरिया बन सकता है? हालांकि महत्वपूर्ण ये भी है कि नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद ये पहला बड़ा यूएस चीन संवाद कह सकते हैं, और उसी के तहत बड़ा सवाल, क्या ताइवान पर कोई फॉर्मूला निकालने की इसमें कोशिश की जाएगी? चौथी बड़ी बात, इंडो पैसिफिक पर भी दोनों देशों की बातचीत की संभावनाएं जताई जा रही है, इसीलिए बड़ा सवाल, क्या दोनों देशों की नौसेना समंदर में पीछे हटने को लेकर भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है? भारद्वाज सर, क्या ये पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही है? देखिए, आपने जिस तरीके से जो टेंशन जोन आपने बताया, एक साउथ चाइना सी में टेंशन है, अमेरिका और चीन के बीच में नेविगेशनल राइट्स को लेके फ्री नेविगेशन, क्वाड का जिस तरीके से एक गठन हुआ है उससे भी चीन के साथ टेंशन है, चीन उसको एक पॉजिटिव स्पिरिट से नहीं ले रहा है, ताइवान का संकट आया और उसके साथ में जो रोग स्टेट्स, जिसको आप नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम बढ़ा रहा है, ईरान में जिस तरीके के डेवलपमेंट हुए, ये सारे बहुत कंसर्न इश्यूज हैं चीन के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि चीन भी आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा आज के दिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उनको भी अपने आप को एक वर्ल्ड पावर बनाना है, इकोनॉमिक पावर है लेकिन साथ साथ मिलिट्री पावर भी बनाना है, और अमेरिका जो अपने सुपर पावर स्टेट है उस स्टेटस है उसको मेंटेन करना चाहता है, तो इस तरह बिल्कुल टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट, आज के दिन टाइमिंग इम्पोर्टेंट है कि अभी दोनों देश डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते इन किसी भी विषय को लेके, और रशिया को एग्जॉस्ट कर ही दिया अमेरिका ने यूक्रेन में, अब बात रही कि कैसे जो ये रॉग स्टेट्स हैं खासकर नॉर्थ कोरिया और ईरान जो कि चीन का इनको वरदस्त प्राप्त है, तो यहाँ पर अमेरिका के लिए एक सिरदर्द है कि कैसे इन रॉग स्टेट्स को डील किया जाए। ठीक है, और इसी वजह से हम इस रीजन में भी तनाव बढ़ते हुए इन दिनों देख रहे हैं। वहीं एक और अहम खबर कादिरोव से जुड़ी, रमजान कादिरोव के फाइटर्स ने युद्धाभ्यास किया है, पश्चिमी टैंकों को ध्वस्त करने की बाकायदा ट्रेनिंग ली गई है, स्पेशल ऑपरेशन जोन में नजर आए चेचन फाइटर्स, कादिरोव ने कहा हमारे निशाने पर होंगे लेपर्ड और अब्राम टैंक्स, ये सीधे तौर पर कहा गया है। इस बीच खेरसों के बैटल ग्राउंड से विध्वंसक तस्वीरें सामने आई हैं। अगली बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां रशियन आर्मी ने ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। अब रूसी हमले में कई यूक्रेनी ठिकानों को ध्वस्त किए जाने का दावा, लेकिन इस हमले के बाद पूरे इलाके में कैसे धुएं का गुबार नजर आया, तस्वीरें आपके सामने। अब देखिए रूस की नई स्ट्रेटजी भी क्या सामने आ रही है। देखिए रूस में नए सैनिकों की चल रही है वॉर ट्रेनिंग, घातक हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं रूसी सैनिक, भीषण ठंड में
चल रही है रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग, उसकी तस्वीरें आपके सामने। रूस ने जारी किया सैनिकों की ट्रेनिंग का यह ताजा वीडियो। यानी कि जिस बात का संकेत दमित्री मेदवेदेव दे रहे थे, चाहे हथियार हो या फिर सैनिक, इस साल 2023 में रूस की तरफ से सबसे बड़ा आघात होगा, यह साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं एक और अहम खबर आ रही है ईरान से जुड़ी। मैक्रों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चिंता जाहिर की है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने मैक्रों से की है मुलाकात। नेतन्याहू ने यूरोपीय देशों से एक तरह की गुहार लगाई है, ईरान पर प्रतिबंध और कड़े करने की मांग इसराइल की तरफ से की गई है। ऐसे वक्त में ये मुलाकात हुई है जब इसराइल और ईरान के बीच टेंशन बढ़ती हुई हम देख रहे हैं, और ऐसे में नेतन्याहू ने, इजरायली प्रधानमंत्री ने ईरान पर आने वाले वक्त में और सख्त पाबंदियां लगाने की है डिमांड। तो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग रीजन्स में किस तरह से तनाव, टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये हम देख रहे हैं।